मायावती वाली है, वो मायावती। तो आगे कैसे पता था मायावती वाला? हाँ, ये सब मायावती वाला। तो मायावती वाली हो? अरे भाई हम लोग मायावती के वो देख ले माई बहन देख कहीं हो कैसे उठवा देखू मायावती के सपा या बसपा। मेरा भाई ये गलत फहमी बहुत है, समाजवादी पार्टी को बसपा को सपोर्ट दी लेकिन अपने मालिक बनना चाहते हैं। अच्छा, मालिक बनना चाहते हैं। अच्छा, आप ये याद करिए जब वो संसद थे तो बिल फाड़ने का काम किए, जो महिलाओं के विरोध में बिल थे, तो लगातार ऐसे नेता जो टैंकर बनवा दे तो खुश समय जगह नाम बनवा ले तो दुखी बा। लालगंज क्षेत्र में हम है, इस समय संजयपुर मार्केट में, यहाँ पे तमाम जनता है, तमाम लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोगों के मत विचार है, जानेंगे किस किस तरफ जा रहे हैं लोग। प्रत्याशी उतर गए मैदान में, चुनाव आ गया नज़दीक, तमाम लोगों से यही पूछेंगे किसको वोट दे रहे हैं लोग, किस किस मुद्दे पर वोट देंगे लोग, आइए इससे पूछते हैं। दादाजी क्या लगता है? विकास में मोदी को देंगे। मोदी को देंगे आप? हाँ। यानी नीलम सोनकर? हाँ। दरोगा सरोज को जानते हैं? हाँ। जानते हैं? हाँ। कैसे आदमी? सब ठीक है, लेकिन मोदी को वोट देंगे। मतलब मोदी को वोट देंगे, यानी नीलम सोनकर? वही भैया जो ये कह रहे हैं वही सच्चा है, मतलब नीलम सोनकर। हाँ ठीक है। और विकास को किए कि नहीं? पहले पूर्व सांसद रह चुकी हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं, अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। नीलम सोनकर कुछ नहीं के लिए मोदी सरकार की, कोई भी बात नहीं। नीलम सोनकर तो कुछ नहीं के लिए मोदी सरकार बहुत की है। अच्छा, नीलम सोनकर कुछ नहीं किए हैं पर मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बता दीजिए फटाफट। अरे सड़क शौचालय बनवाए, सब घर बनवाए, शौचालय घर द्वार सब बनवा दिए। हाँ और क्या, किसी गरीब का मकान बनवा दिए, क्या गरीबों का मकान बनवा दिए, क्या चाहिए? राशन फ्री दे दिए, क्या चाहिए? राशन फ्री मिल रहा है और क्या, और क्या चाहिए? 5 किलो राशन से खुश हैं आप? अरे बहुत खुश है, 5 किलो कमती होता है। लड़के तो लोग बता रहे हैं रोजगार रोजगार कुछ मिल नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो, 5 किलो 2 रुपये के साथ ना बनवा ले तो। चाची क्या बोलो तू? क्या बोलो तू? वो कहते एंकर बनवा दे ले तो खुश समय, जगह नाम बनवा ले तो दुखी बा। बोला तो देश का नागरिक है, यो बनवा ले। जब उहार से देबे न करिए तो आदमी पाई कहाँ से? शौचालय ना मिले ला, हम का करी? के दही, के दही, हमार मर्जी है। ओके, सब कुछ मिल गया लो। अब तोर बगल ही हम दूर जने के ना मिले लो। शौचालय पूछ पूछ के बनवा दे, केवले बनवा दू काके सरकार? आवास है, कुछ नहीं दिए हैं, हम क्या करेंगे? 5 किलो राशन में कोई जिंदगी पार होगी? 5 किलो वो हमारा ही राशन कट के जा रहा है, वो ही दे रहे हैं। और ये गरीब जनता का ही राशन जा रहा है, किसान यही से कर खेती कर रही है, यही से गल्ला जा रहा है। तो वो आदमी काबा करके हमके नाम मिला ला, अब उनके मिला ला, तू जाना तुम हमके घर द्वार का सब कुछ मिल गया ला, कौन बजा का? नहीं बिल्कुल सही। अच्छा ये बतावा, अब की बार वोट के देबू तू, दरोगा सरोज या फिर नीलम सोनकर? हम तो मायावती के देवा। मायावती को देंगे? हाँ, बहुजन पे, बहुजन पे जाएंगे। हाँ, खुल्ले में खुल्ला, खुल्ले में खुल्ला। हाँ। आइए आइए, आज पूछते हैं तमाम लोगों भैया यहाँ पे। भैया क्या लगता है आपको, क्या किस किस मुद्दे वोट देंगे आपकी बार? विकास पे। विकास मुद्दे कौन लगता है आपकी, आपके नेता कौन नेता कर सकता है विकास? नीलम सोनकर या फिर जो हम बताइए मायावती कैंडिडेट या फिर दुर्गा सरोज? अब ये लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए सब लोग पूर्व सांसद रह चुके हैं, दरोगा सरोज भी रह चुके हैं, नीलम सरकार भी रहे। विकास तो हो रहा है, पहले से अच्छा विकास हो रहा है। हो रहा है विकास? लग रहा है विकास हो रहा है। हाँ हो रहा है 100%। आपको कहाँ लगता है विकास हो रहा है? पूर्वांचल बन गया क्या? क्या साला, हर पूर्वांचल कौन बनाया आपको पता है? कौन बनाया भाई? जिनके सरकार में बना वही हम लोग जानते हैं ना। स्टार्टिंग कौन किया था पूर्वांचल का? नहीं पता है, सपा ने किया था। अब हमको ये पता नहीं है कि सपा ने किया था, लेकिन आपसे छोटे हैं, नॉलेज खूब रख रहे हैं। हाँ नॉलेज भाई रखते हैं लोग। अब हम लोग जो नॉलेज बता रहे हैं, बताइए कि पूर्वांचल कौन स्टार्ट किया था? पूर्वांचल कौन स्टार्ट किया था? स्टार्ट तो बताइए कि जो ये 10-26 स्टार्ट किए हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये कौन स्टार्ट किया है? अब हमको नहीं पता है 10-26 कौन स्टार्ट किए, लेकिन जो जो नॉलेज मैं बता रहा हूँ। नॉलेज आपको क्या है? तब कैसे विकास आप बोल रहे हैं? पढ़ाई के लिए हमारे ये जो जो मोदी जी हैं, ये अपने इंडिया में GST लगाए हैं 18%, और अदर स्टेट में, अदर स्टेट क्या आउट ऑफ कंट्री, पढ़ाई के लिए कोई GST नहीं है। 18% GST तो कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन में नहीं, पढ़ाई के ऊपर लगाए हैं। नहीं पढ़ाई के ऊपर GST 18 नंबर तरफ लगा है। GST लगा है उसका, उसकी कैटेगरी अलग अलग है ना। दुकान पे पांच लंदन इतनी एक मिनट, लंदन अपना इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 1 रुपये नहीं GST लगा है। अपना इंडिया इतना क्या महान है यहाँ पे। चलिए वो सब छोड़िए, अच्छा ये सबसे छोड़िए, यहाँ का जो मुद्दा चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, क्या करना चाहते हैं दरोगा सरोज, नीलम सोनकर या फिर जो मायावती तरफ से कैंडिडेट, उनको बताइए। मैं एक चमार हूँ,
मैं बसपाई हूँ, बहुत कट्टर बसपाई जी, बस बसपा को वोट दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जी। कैंडिडेट कौन है आप बताइए ना। हमारी है क्या, ये कौन से एरिया में है अभी आपको पता ही नहीं कौन से एरिया है? लालगंज ये क्या बोलते हैं अपनी दरोगा सरोज है ना? नहीं वो तो दरोगा सरोज सपा से हैं। अभी कैंडिडेट कोई नया उतरा है, इंदु नाम से उतरा, कोई लेडीज उतरी है मैदान में। ए चाचा कहाँ जतवाड़ा सुना है बुढ़िया वाड़िया कहाँ कर जतवाड़ा भगवाई थे तू तब कहा मतलब आ भैया क्या लगता है? अपनी तो पतंग है भाई, जो बादशाह अपनी वर्दी पतंग एम आई एम हाँ वल्ली एम आई एम, क्योंकि अपने घर में रहना मालिक बन के, दूसरे के घर में जाएंगे तो नौकर या तो जितना भी चाहिए प्रत्याशी में दम भी तो होना चाहिए। अरे जीते वो हारे वो बात की बात है, लेकिन अपनी वल्ली पतंग है भाई, जो बात है सब। अपना वोट क्यों बेकार कर रहे हैं यार? खराब होगा खराब, मेरा वोट खराब होगा ना मैं? अरे अरे भाई यार क्यों पार्टी की दीजिए ताकि दमदार पार्टी रहे, काम करे, नहीं हो सकता है सपा या बसपा? मेरा भाई ये गलत फहमी बहुत ही है, समाजवादी पार्टी को बसपा को सपोर्ट दिए लेकिन अपने मालिक बनना चाहते हैं, नौकर मालिक होना चाहते हैं। अच्छा आप अपने पार्टी के स्वयं मालिक हैं? क्या पार्टी के नाम क्या आपके? एमआईएम मजलिस उसके अध्यक्ष हैं? नहीं अध्यक्ष नहीं हूं। आपने बोला भी है कि हम पार्टी के मालिक बनना चाहते हैं, तो मालिक की बात वो नहीं है मेरा भाई। मेरा बोलने का मतलब कैसा है, हर समाज का लीडर है कि नहीं, तो अपना भी कोई लीडर होना चाहिए ना, मतलब मुस्लिम समाज का। हाँ मुस्लिम समाज का कोई लीडर नहीं है? कोई नहीं है, अभी वही एक बंदा आवाज़ पार्लियामेंट में भी वही आवाज़ उठाता था दो दिन वैसी, अब उसको ही हम वोट देंगे ना। कभी आजमगढ़ में आए हैं? आजमगढ़ में तो आए हैं वो, किसको वोट देंगे अब की बार? लालगंज से सांसद किसको बनाएंगे अब की बार? किसी को वोट नहीं देंगे आप? तभी वोट करेंगे आप लोग, घर पे ही बैठे रहेंगे क्यों जी? क्या दिक्कत हो गई भैया? क्या लगता है कौन जीतेगा? सोनकर जी, नीलम सोनकर जी, बीजेपी जी, फुल सपोर्ट। आइए तमाम लोगों से बात करते रहेंगे, एक चाची इनसे बात करते हैं। चाची चाची आइए, कोई बात नहीं आइए, इस मार्केट में जितने लोग मिलेंगे सबसे पूछेंगे, क्योंकि देखिए हमारा मत रखना विचार सबके, जो जो वो बोलेंगे उसकी बात अलग है। आइए ज़्यादा इनसे पूछते हैं। निकलना तो कुछ दो शब्द बोल जाइए तब। क्या बोलूँ, क्या लगता है आपकी कौन सांसद बनेगा यहाँ से? अब वही मोदी बने, और क्या मोदी बनेगा सांसद यहाँ से? मोदी तो लड़ रहे हैं वहाँ जो बनारस से। नहीं नहीं निरहू निकलेंगे, ये सोनकर सोनकर यानी नीलम सोनकर। आइए ठीक है ठीक है ठीक है सुनकर। मायावती? हाँ मायावती कोट दे। बड़की मत, दो सवाल से पूछना है। तो आगे कैसे पता सब मायावती वाला? हाँ ये सब मायावती वाला। तू मायावती वाली हो? अरे भाई हमें कौन वाला मायावती के वो देख ले हूँ मैं भाई, देखा भाई ना कहीं ना हो। तब कैसे उठवा देखू मायावती के? ये कौनो कहिए तर बोलावल जाला, ये तरन बोलावल जाला। अच्छा ये बतावा पतिया हमारा सुन ला कि तोरे क्षेत्र में विकास क्यों कहले हो? ये तो मैं नहीं क्यों तो ना भाई नार मैं क्यों कहले विकास नहीं हम तो ना वोट गोरु चौवा चराइल हम ना पता क्यों वोट दो जात बू ना काहे ना तब लगा ला कि नेता कौन वोट मतलब विकास करत हम कहा करत है प्रधान हो जाते बोले में अब आ इधर आइए। तो दोस्तों यही कहेंगे कि तमाम लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं, इधर आइए आओ, आते रहो। मतलब ये ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है पठानी बहुत ज़्यादा फलोल बिका था कि ना? धंधा पानी बहुत ना सर, धंधा पानी तो टेंशन में हुआ, धंधा पानी ना रोजगार हम खत्म हो गया, धंधा पानी है ये ना कहा के क्या कहा जाता सरकार की? सरकार कुछ करे जुगाड़ पानी करे भाई, अब सरकार कही तो भाई युवा पानी वही कहा ना लगा तो कहो कहा कर मोदी से कुछ पिल्सिंग पावा लगे ना 2000 पावा लगे ना? हाँ हाँ आवाला खुश हवा मोदी से? हाँ खुश है, खुश हवा वोट मतलब मोदी के? हाँ हाँ। आइए एक भैया जी यहाँ पे उनसे बात करते हैं, तमाम अपनी बात रखेंगे। क्या नाम आपका सबसे पहले? इंजीनियर अभिषेक यादव। इंजीनियर अभिषेक यादव, क्या लगता है समाज में क्या चल रहा है आजकल? पूरी तरह से जनता त्रस्त है, नौजवान किसान छात्र पिछड़ा दलित गांव गिराव सारे लोग त्रस्त हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी नौजवान झेल रहा है, किसान की लागत का उचित मूल्य देने वाली केंद्र और प्रदेश की सरकार नहीं दे पाई है, जिससे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लगातार गिरा पड़ रहा, माताएं बहनें अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपको बात टोकना चाहते हैं, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि स्वयं अखिलेश यादव बोल रहा है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है?
क्योंकि मैंने अखिलेश यादव का इंटरव्यू कई बार किया है। देखिए, जो नौजवान नौकरी रोजगार चाहता है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, क्योंकि वो लगातार नौजवान किसान पिछड़ों दलितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। विपक्ष में सदन के माध्यम से और सड़क के माध्यम से लगातार आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जो चाहिए आज देखिए, कभी कृषि विभाग में सी ग्रेड में वैकेंसी निकली है, वहाँ पिछड़ों दलितों के साथ आरक्षण में खिलवाड़ हुआ है। जो आरक्षण 21% दलित समाज को मिलना चाहिए वो 14% आरक्षण उसमें देने का काम किया गया। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, वैकेंसी में उसको 18%। तो जिस प्रकार से आरक्षण और संविधान के साथ वर्तमान की रूलर गवर्नमेंट कुठाराघात कर रही है, लगातार उस पर चोट कर रही है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान का नौजवान किसान छात्र पिछड़ा दलित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं इस सत्ता से बेकद। क्या लगता है कि आपको लालगंज से कौन निकल सकता है? देखिए, लालगंज से जो जनता की आवाज़ है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। हम हैं जी निश्चित। तो आप कैसे कह रहे हैं, वोट भी पड़ा ही नहीं? क्योंकि जन जन की आवाज़ है दरोगा प्रसाद सरोज। दरोगा प्रसाद सरोज वही याद करिए, जब वो संसद थे तो बिल फाड़ने का काम किए, जो महिलाओं के विरोध में बिल थे। तो लगातार ऐसे नेता जो आम जनता कार्यकर्ता के एक बुलावे पर खड़े रहते हैं, उनके साथ लड़ने का, और उनके साथ कोई भी जनता उनके साथ अपने आप को असहज नहीं महसूस करती। जब चाहती मिल सकती है, जब चाहेगी दुर्गा प्रसाद सरोज उनके बीच आएंगे। तो ऐसे जन नेता को जो लोगों के दुख सुख में खड़े रहें, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करें, जनता ऐसे ही नेता को पसंद करती है और दुर्गा प्रसाद सरोज जीतने का काम करें। पूर्व सांसद ये भी हैं, पूर्व सांसद जो बीजेपी से हैं नीलम सोनकर वो भी हैं, दोनों लोग चुनाव जीत के हार चुके हैं, अब की बार कैसे जीत सकते हैं? नीलम सोनकर जी का पता नहीं चला, दुर्गा प्रसाद जल लगातार फील्ड में उनकी होर्डिंगें पोस्टिंग से आप देख रहे हैं, लगातार हर जगह वो मिल जाते हैं। क्या होर्डिंग पोस्टर से, क्या होर्डिंग पोस्टर से कोई दिल में की जगह बना सकता है? लोगों के बीच भी मिलते हैं, अभी यहाँ पर दौड़ा किए थे, सरायमीर सेंटरवा सज्जरपुर जन यात्रा करके पैदल मार्च किए थे, तो लोगों के बीच बने रहा। जो नेता लोगों के बीच बना रहेगा, लोगों के सामाजिक सरोकार में रहेगा, वही आगे चल करके विश्वास जीत पाएगा और लोगों के दिलों पे वास करेगा। हमारा क्षेत्र पड़ता है, हम स्वयं अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पड़ता है निजामाबाद में, दरोगा सरोज कभी दिखे नहीं उधर। अभी मैं आपको कह दूं, हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, आपका दौरा अलग अलग क्षेत्रों में रहता है, आप उस क्षेत्र में ना रहे हो जब वो पहुंचे हो, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं समय का विषमता रही है, आप किसी और छोर पे रहे हो। वो गाँव इतना बड़ा, विधानसभा भी है और थाना भी इतना बड़ा है, कम से कम वो भी बड़ा क्षेत्र ही है, कम से कम वहाँ जाना चाहिए। निज़ामाबाद विधानसभा का मैं भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कोरोना काल में 93 दिन राशन बांटने का काम किया, लोगों के बीच बना रहा। जी आप जान सकते हैं सर, तो और यहाँ के SDM अरविंद कुमार जी थे सिंह, उन्होंने सम्मानित करने का भी काम किया था। तो मैं बता सकता हूँ कि मैं भी लोगों के बीच रहता, हो सकता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आपका टकराव नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन लोगों के बीच बने रहते, दिलों पर राज करने का काम दरोगा प्रसाद सरोज कर। लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लीकेज सरकार है हर मोर्चे पर, अभी तक पेपर लीक, हाँ लीकेज सरकार, वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे RO AR की परीक्षा हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, लगातार लीक हो रही है। तो ये लीकेज सरकार को लोग हटाना चाहते हैं। जी हटाना चाहते हैं निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। उधर मोदी जी बोल रहे 400 पार। देखिए शासन सत्ता अपने दुरुपयोग कर रही है, शासन सत्ता का प्रयोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, जिस प्रकार से पिछले उपचुनाव में सदर लोकसभा से धर्मेंद्र जी को हराया गया, आज पुनः सदर से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनाया और ऐतिहासिक मतों जीते। आपको लगता है धर्मेंद्र यादव को धोखाधड़ी जीता गया था, हराया गया था? निश्चित तौर पर प्रशासन का पूरा प्रयोग करके, मामूली मात्र वोटों से कहीं ना कहीं राजनीतिकरण से अधिकारीकरण से उनको हराने का काम किया गया। इस बार जन जन अभी आए थे 3 दिवसीय दौरे पर, एक एक नौजवान किसान पिछड़ा दलित हर वर्ग के लोग फूल माला से ऐतिहासिक स्वागत करने का काम किए, लाखों लाख वोटों से धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र पे आरोप लगता है कि अखिलेश पे आरोप लगता है, दोनों लोग पे भाई लगता है कि लोग आते हैं आजमगढ़ में, आजमगढ़ जनता खुश करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन रहते क्यों नहीं ये बताइए। फिर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का एक एक ईंट जो विकास का ईंट है नेताजी की देन आजमगढ़ में, चाहे कलेक्ट्री देख लीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, तमाम जो सौंदर्यीकरण से लेकर के तहसीलों को जोड़ने का, मार्टिन कर तहसील बढ़ाई गई, तो कहीं ना कहीं PGI से लेकर तमाम जो काम है समाजवादी पार्टी की देन है, और आजमगढ़ में जो भी विकास का काम हुआ समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जिसे आप गिना रहे हैं उसी वर्तमान शासन निर्वाह गिना रहे हैं,
कि हमने जहाज उड़ा दिया, आजमगढ़ में कोई ऐसा रोड नहीं जो हमसे बना नहीं, तमाम चीज़ गिना रहे हैं कि आप उनका सुनेंगे तो आप कहें दिल में एक ही यहाँ लगता है आप बंदा किया है। समाजवादी पार्टी के कामों पर अपना नाम देने का काम बीजेपी बार बार करती है और समाजवादी पार्टी में जो काम किया गया उन कामों पर सिलापट लगाने का काम, उसको अपने नाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्मेंद्र जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं इस बार। आजमगढ़ सदर की जनता बता दीजिएगी कि निरहुआ क्या काम किए हैं और निश्चित तौर पर वो सदन में जाकर के पिछड़ों की दलितों की नुमाइंदगी करने का काम करेंगे और धर्मेंद्र जी लगातार लोगों के बीच बने रहेंगे। मतलब यानी आजमगढ़ की दोनों सीटें सपा के पक्ष में। समाजवादी पार्टी को आम जनता, नौजवान, किसान, हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुसलमान भाई भी तैयार हैं रमजान के महीने में और हिंदू भाई भी तैयार हैं। हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन सुनिए तो मेरी बात को आप, ये संविधान को मानने वाले लोग हम लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह सोशलिस्ट को मानने वाले, चौधरी चरण किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को मानने वाले, डॉक्टर राममोहन लोहिया के कदमों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग ज्योतिबा फूले से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े मान्यवर काशीराम, उनके रास्ते पर चल करके संविधान को बचाने की लड़ाई, संविधान को स्थापित करने की लड़ाई, संविधान के आधार पर लोगों को हक अधिकार मिल जाए इसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए, तमाम लोगों से बात करते हैं। दादाजी क्या लगता है? कुछ नहीं, हम भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, थके मादे बनारस से कसम खा के भी नहीं से उपवास पड़े, हम बोल नहीं सकते। अजय खाना कुछ खा लीजिए तब उसको तो बोलिए एकदम। दादाजी आप अच्छे बताइए, आप लोग बोल कहने रहे हैं, हम लोग इसे नहीं बताइए, हम लोग इसे नहीं बोल पाते हैं। हम लोग बाजार के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ राजनीति नहीं करते। हाँ, कुछ आपके क्षेत्र में काम हुआ इतना बता दीजिए। देखो भाई ऐसा है, हर नेता लोग कहते हैं मैंने ये काम कर दिया, को भैया वो काम कर दिया, जो सामने काम दिखेगा आदमी वही कहेगा। अभी तो कुछ इधर नहीं देख, दिख नहीं रहा आपको, नहीं आ रहा है यहाँ कोई काम तो नहीं मालूम पड़ रहा है। यानी लालगंज जो लोकसभा क्षेत्र है पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लालगंज क्षेत्र की। आपकी किसको वोट देंगे विश्वास मान के? आप देखो भाई इसके बारे में नहीं कह सकते, हमको जो अच्छा लगे उसको दे देंगे बाबू। अच्छा मतलब किस में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा या काम में अच्छा? मतलब ये है कि ये दुनिया है इतनी बड़ी ना, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको अपना मत देंगे कि किसी बिके थोड़ो ना, बात समझे? हाँ बस वही बात, और कोई फालतू नहीं करना बाबू, जहाँ मतलब कुछ नहीं बोलेंगे। आइए आइए दादाजी, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है लालगंज में किसको सांसद बनाएंगे? भैया आप लोग बना दीजिए जिसको बना दे जाए। अरे हम लोग हम परदेशी आदमी हैं, आज हैं कल हाँ कल चले जाएंगे। आइए आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। इशा कर दो, इशा कर दो, बंद कर दो।